हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम गौतम जोली एंड यू आर वाचिंग ब्रेन चैलेंज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अगेन टॉप 5 बेस्ट सीक्रेट एंड वाई टिप्स एंड ट्रिक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। का जो एप्स है उसका नाम है वॉइस चेंजर। काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा कहें तो यूजफुल एप्स है। जैसे कि इस एप्स को ओपन करने के बाद आप जो भी वॉइस को कहें तो रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस वॉइस को आप आवाज़ को भी चेंज कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए मैं आपको सबसे पहले एक वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैं इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको एक रेड का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब मान लिया जाए आप वॉइस को किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बेबी गर्ल, बेबी वोमेन, वॉय, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मान लिया जाए मैं इसी वॉइस को जो मेरा ओरिजिनल वॉइस है इसको मैं कहें तो एक बेबी गर्ल, इसको मैं बेबी गर्ल के वॉइस में अगर चेंज करना चाहूँगा तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा और प्ले करूँगा। और तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अपने वॉइस को बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस ऐप्स को एक बार डाउनलोड करना और कमेंट में आप मुझे बताना कि यह ऐप्स आपको कैसा लगा। नेक्स्ट नंबर का जो ऐप्स है उसका नाम है योर प्रिंट। और इस ऐप्स की मदद से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन बाय करते हो तो उस प्रोडक्ट पर क्या इमेज होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, उससे फुली कस्टमाइज आप कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो फोन कवर, टी शर्ट, केजिन, कैलेंडर, मग्स, एलईडी फ्रेम, पैलेट शर्ट, फेस मास्क, जैकेट्स, या फिर कहें तो एक नोटबुक, पेन ड्राइव, क्लेंडर, डिनर प्लेट्स। तो आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर ऑर्डर करते हो और आपको लगता है कि मेरा वहाँ पर फ़ोटो होना चाहिए या फिर मेरा नाम होना चाहिए तो काफ़ी अच्छा तरीका से इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि एक टी शर्ट का ऑप्शन दिया गया है तो सिंपली इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको टी शर्ट का डिज़ाइन सिलेक्ट करना है और उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मुझे टी शर्ट जो है आ चुका है, मैं सिंपली इस पर क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा और यह लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद देखते हैं किस तरीके से मुझे कस्टमाइज करना होगा। अब यहाँ पर मुझे एक इमेज का बटन दिखाई दे रहा है ऊपर में, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और मेरा जो इमेज अपलोड है पहले से ही है तो मैं चलिए इसे सिंपली तरीके से यहाँ से इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद देखते हैं क्या प्रक्रिया यहाँ पर मुझे करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टी शर्ट को किस तरीका से यहाँ पर साइज में आपको मिलाना है। उस तरीका से एक चीज़ कर देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू कार्ट, तो इस पर आप सिंपली क्लिक कर आप इस टी शर्ट को कहें तो ऑनलाइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसका नाम है योर प्रिंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करना एंड कमेंट में आप मुझे बताना है कि यह ऐप्स आपको कैसा लगा। थर्ड जो ऐप्स है उसका नाम है वीडियो कंप्रेसर। काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा कहें तो एक बेस्ट ऐप्स है। इस ऐप्स की मदद से आप अपना कोई भी वीडियो का जो फाइल है उसको काफ़ी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। मतलब कि मान लिया जाए आप एक वीडियो बनाएं जिसका फाइल जो है कहें तो 1 GB है, अब उसको छोटा करना है आपको यानी 500 MB में उसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इस ऐप्स को डाउनलोड कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो भी फाइल में वीडियो पड़ा हुआ है उसको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि देख सकते हो मेरा एक वीडियो है जो 204 MB का है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक किया और एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्रेस वीडियो, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वालिटी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्वालिटी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि 480p में अगर मैं इसी वीडियो को अगर मैं कंप्रेस करूँगा तो 43 MB का बन जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो है ये 201 MB का है, लेकिन इसी को मैं यहाँ पर कम कर पाऊँगा। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप्स है। जैसे कि देख सकते हो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं इस वीडियो का फाइल को काफ़ी फास्ट है कहें तो कंप्रेस कर रहा है। तो ऐप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस ऐप्स को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो ऐप्स है उसका नाम है क्विक VPN। काफ़ी ज़्यादा यूनिक ऐप्स है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं एक अपने क्रोम से एक फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी देख रहे हो कि यह बहुत ही स्लो डाउनलोड हो रहा है और अगर डाउनलोडिंग स्पीड भी देखिएगा तो 12 KB का अराउंड स्पीड दे रहा है। ऐसा बात नहीं है कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क की कमी है, वैसे के लिए डाउनलोड हो रही है तो यहाँ पर इंटरनेट ही कहें तो स्पीड नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए मैं एक काफ़ी ज़्यादा ऐप्स अच्छा आपको बताऊँगा जिसका नाम है क्विक VPN। और इस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद UK लंदन का जो सर्वर है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और नीचे आपके एक एरो का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देने के बाद यह VPN सर्विस है, क्लिक कहें तो
आपके फ़ोन में कहें तो सेट हो जाती है। और इस VPN को सेट होने के बाद आपके फ़ोन में जो फाइल डाउनलोड होगी कहें तो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट डाउनलोड होगी। जैसे कि देख सकते हो पहले ये 12 KB का स्पीड दे रहा था, लेकिन अभी इसका अगर डाउनलोडिंग स्पीड देखोगे तो ये 672 KB के अराउंड ऊपर चल चुका है। तो सोचो कितना फास्ट ये डाउनलोड हो रहा है। और अभी देख सकते हो 2.1 यानी कहें तो 2.1 MB का भी स्पीड देने लगा है। तो इस ऐप्स को आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऐप्स है। ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप डाउनलोड कर लेना। जैसे कि आपको और मुझे भी पता है कि जल्द ही एक कहें तो स्मार्टफोन कंपनी न्यू लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जिसका नाम है नथिंग। और नथिंग फ़ोन को लॉन्च होने से पहले एक काफ़ी अच्छा लॉन्चर आया है जिसका नाम है नथिंग लॉन्चर। और यह एक ऑफिशियली लॉन्चर है जो हर एक एंड्रॉइड फ़ोन में सेट करने वाला है। तो इस लॉन्चर को डाउनलोड करने के लिए आपको एक ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस ऐप्स को डाउनलोड कर लेना। और सेट डिफ्लेट पर क्लिक करने के बाद इस लॉन्चर को आप एक बार आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर अप्लाई करके देखिए, इतना कहें तो फास्ट चलेगा आपका एंड्रॉइड फ़ोन की मत कहिए। जैसे कि देख सकते हो इसका UI डिजाइनिंग इतना कहें तो फास्ट बनाया गया है कि आपका अगर फ़ोन कहें तो लैग भी करता है, तो इस लॉन्चर को अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा। और इसमें बहुत सारे कहें तो एक फैंशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि विजेट, आपको बहुत सारे विजेट स्टाइल देखने को मिलेंगे जो आप एक बार आप अपने फ़ोन में सेट कर पाएंगे। और यह लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्चर है, तो सोचा कि इसको भी मैं आपको बता दूं। तो अगर आप इस लॉन्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लॉन्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और आप मुझे कमेंट में बताना कि यह लॉन्चर आपको कैसा लगा।